नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 29 जनवरी को भारत बंद का मिला जुला असर देश भर में देखने को मिला और इसी प्रदर्शन के तहत मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ में बहुजन क्रांति मोर्चा जमीयत उलेमाए हिंद के संयुक्त तत्वावधान में प्रदर्शन का नेतृत्व किया गया। आपको बता दें कि शहर के मुफ्ती मुस्तफा साहब के द्वारा इस कानून को काला कानून बताया गया, साथ ही साथ भारत सरकार से इस कानून को वापस लेने की बात भी उनके द्वारा की गई। वहीं बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्यों के द्वारा देश के संविधान को बचाने की अपील करते हुए इसे काला कानून बताया गया। साथ ही साथ कहा गया कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लगातार बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो, आप अजू नहीं है? क्या चुका अजू नहीं है? लागू किया गया है, हम उसका जो है विरोध करते हैं और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो है अपने गृह मंत्री जी से जो है इस बात का निवेदन करते हैं कि ये वापस लिया जाए। आप हमारे इस मुल्क के 130 करोड़ निवासियों के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं। अगर आपके लिए नागरिकता किसी को देना है तो आपके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। आप जो है आपको इख्तियार है, जिसको चाहे जो है नागरिकता दे दें, लेकिन इसको कानून की शक्ल में बिल पास करना और लोगों को लाइन में लगाना और पुराने डॉक्यूमेंट्सों को बुलाकर और लोगों को जो है परेशान करना, ये एक मुल्क के हित में जो है फायदेमंद नहीं है। इसलिए हम संविधान को जो इन्होंने बदलने की कोशिश की है और सीए लगाकर और एक ऐसा बिल पास करने का जो कोशिश की है जिसमें जो है धारा 14, 15, 21 और 25 का जो है उल्लंघन होता है, जिसको हमारे संविधान को भीम अम्बेडकर जी ने जो है लिखा, और उस संविधान को अगर हम तोड़ मोड़ करके पेश करेंगे तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। संविधान को भी बाकी रखना है और मुल्क को भी बाकी रखना है। हम जो है सब मुल्क के वफादार हैं, मुल्क हमारा जो है जान से प्यारा है, इसलिए हमें कोशिश करना है। आज पूरा भारत बंद था और पूरा भारत बंद है, इसलिए आज राहतगढ़ के अंदर हमारे दो माननीय मंत्री लोग आ रहे हैं, जिसमें किसानों का भी लाभ होना है, और इस वजह से हम यहीं तक अपने इस विरोध को दर्ज करके यहां से अपने अपने घर पर जो है रवाना होते हैं। किसी किस्म का जाति बखत भी जाने में किसी किस्म का नारेबाजी, किसी किस्म का उपद्रव, किसी किस्म की जो है भड़काऊ बात ना करें। अमन चैन चाहते हैं, अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं, यही हमारा जो है मकसद है। इसके अलावा और हम जहां ज़रूरत मुल्क के लिए पड़ेगी उसमें हम हमेशा तैयार रहे हैं, रहेंगे और अभी भी मौजूद हैं। मुल्क को जब जब भी ज़रूरत जिस वक्त पड़ी है उसमें हम अपने जो है अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। इसी बातों को लेकर हम यहाँ से अपना विरोध ख़त्म करते हैं और यहाँ से हम अपने अपने घरों पर वापस होते हैं और शांतिपूर्व हमारे इस मस्ती के माहौल को बिगड़ने ना दें और अमन चैन के साथ जैसा कि अभी वहाँ से आए हैं और अभी भी यहाँ अपने घर वापस होने तक अमन चैन का जो है परिचय दें, सबूत दें। आज भारत बंद के कार्यक्रम के अंदर NRC, CAA और EVM मशीन के विरोध में यह रैली लेकर निकाली गई। कितना प्रभाव रहा इसका? इसका प्रभाव हमारे यहाँ कम से कम वैसे 40% के लगभग लग रहा है। दादा बताएं, स्थानीय कितने कांग्रेसी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए? कांग्रेसी नेता यहाँ के बीच में मुश्किल अगर दो चार अगर हो जो अनजाने में रह गए हो तो। अच्छा, मतलब कांग्रेस नेता नदारद रहा इससे? जी, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेसी नेता ही प्रदर्शन कर रहे थे विरोध इसका, NRC का। यहाँ पे कांग्रेस नेता क्यों शामिल नहीं हुए? ये जानकारी तो वही लेके जवाब दे पाएंगे, अब उसके लिए अपने कुछ नहीं बता सकते। इसलिए कि जब दोनों पक्ष में चाहे कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले हो, दोनों जगह लेके वे ही लोग घुसे हुए हैं, तो अपने इस बात के लिए मंजूर करने के लिए कौन आएगा सामने?
काला कानून पास किया गया है जिसको सीए के नाम से याद किया जाता है, और आगे इनकी जो प्लानिंग है एनआरसी और एनपीआर वगैरह का जो निज़ाम इन्होंने मुल्क के तब्दील करने के लिए, दस्तूर बदलने के लिए, मुल्क के अंदर अमनी बदअमनी फैलाने के लिए जो एक काला कानून पास किया गया है, उससे मुतालिक जमीयत उलमा ने पूरे हिंदुस्तान को आज भारत बंद का जो ऐलान किया था उसके तहत हम लोगों ने आज भारत बंद का सहयोग किया है, और उसमें हमारे बहुजन क्रांति समिति वाले भी हजरात हमारे साथ रहे, और बड़ी तादाद में इस कानून का विरोध किया गया और अपील की गई माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी से कि इस तरह का कानून वापस लिया जाए जो संविधान के खिलाफ है, संविधान बचाओ और मुल्क बचाओ के लोगों ने जो है नारे भी। अच्छा, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में विरोध कर रही है एनआरसी का, यहाँ पे कितने कांग्रेसी नेता शामिल हुए कार्यक्रम में? जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सब कांग्रेसी तो ही हैं। अच्छा, कोई कांग्रेसी नेता शामिल हुए क्या? कांग्रेसी नेता इसमें जो मुस्लिम समुदाय के थे वो सब शामिल थे। अच्छा, कोई हिंदू समाज के नहीं हुए? उनकी जानकारी मुझको नहीं। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।